टांडाबरूर थाना के अंतर्गत ग्राम सिंखेड़ी में 14 साल की नाबालिग लड़की के प्रकरण में जिस पर 376 पास्क लगा था उसकी विवेचना एक साल से चल रही थी, जिसमें पंजीकृत अपराध 2020 में आरोपी कुंदन को धारा 374 एवं पास्को एक्ट में 20 साल सश्रम कारावास एवं 16,000 का जुर्माना लगाकर दंडित किया गया। वहीं अपराध क्रमांक 94 के तहत आरोपी नकला को 302 में आजीवन कारावास एवं 1,000 से प्रथम सत्र न्यायाधीश द्वारा भी दंडित किया गया। ज्ञात रहे उस समय थाना प्रभारी DSP PS बघेल एवं टीम ने क्षेत्र में महिला उत्पीड़न एवं बालक बालिका के विरुद्ध होने वाले अपराधों को एवं नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से क्षेत्रीय जनता को समझाइश देकर अपराधों पर नियंत्रण लगाया था। वहीं लगातार ग्रामीणों से जीवंत संपर्क में रहकर उक्त सिंखेड़ी के प्रकरण में PS बघेल ने लगातार विवेचना कर 24 घंटे में अपराधियों को भी पकड़ा था। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सर, थाना बरूर के संबंध में एक लंबित प्रकरण सॉल्व हुआ है, इस संबंध में क्या कहेंगे? हाँ, ये थाना बरूर का है। अपराध क्रमांक 93/20 था, जो एक नाबालिग लड़की को बल्ला कुचला कर ले जाकर आरोपी है, जो कुंदन पिता सुखलाल बिलाल उम्र 26 साल निवासी मानिकुला सिंखेड़ी का है, जो ले गया था और उससे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। तत्कालीन DSP साहब पिंटू बघेल साहब और उनकी टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई कर उसको न्यायालय भेजा था जेल। उसके बाद न्यायालय में कथन उपरांत उसका आज कल फैसला हुआ है। उसमें 20 वर्ष की सजा और 10,000 का आर्थिक दंड हुआ है। क्या नाम है सर? मेरा DSML है, थाना प्रभारी बरूर। सर, आज एक निर्णय आया है, क्या निर्णय है सर? किस क्या मामला था पूरा? मुख्य पहली चीज तो मैं ये बताऊंगा, ये जो प्रकरण था शासन के निर्देश अनुसार जघन्य और सनसनीखेज का चिन्हित प्रकरण था, और इस तरीके से मामले जो छोटी बच्चियों के साथ में अब रेप की जो घटनाएं बढ़ रही है, तो शासन ने विशेष तौर से ऐसे मामलों को चिन्हित कर उनके विशेष ट्रायल पे मतलब अपराध पंजीबद्ध लगा के जब तक जजमेंट नहीं हो तब तक इस पर निगरानी होती है। तो इसमें घटनाक्रम ये था, 17/5/2020 को पीड़िता और उसकी बहन घर के बाहर आंगन में सोए थे, तो रात्रि को आरोपी कुंदन पिता सुखलाल ग्राम मालीपुरा थाना बरूड का आया, और ये जो आरोपी है ये पहले से ही जो पीड़िता थी उसके बड़े पापा के नौकर था, मतलब परिचित था, और परिचित लोग इस तरीके से घटनाएं कारित करते हैं। तो यहाँ पे इसके ये इसको 17 तारीख को ले गया था, जंगल में ले गया था, और इसको बहला फुसला के शादी करने का प्रलोभन दिया और इसको एक दिन तक जंगल में रखा और वहां पे इसके साथ रेप करा था इसने, और फिर ये 18/1 को करीब 8 बजे रात्रि को इसके मामा के यहाँ छोड़ के आया था। तो पीड़िता जो बच्ची थी उसने उसकी नानी को उसके साथ जिस तरीके जो घटनाक्रम हुआ वो बताया था, और फिर उसने इसकी नानी ने इसके मम्मी पापा को बुलाया और बताया, फिर पीड़िता को लेकर थाने पे पहुंचे, थाने पे आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करवाया था, 363, 366, 376, 376, 2, 373, 3 और पास्को एक्ट 3/4 और 5/6 पास्को एक्ट के तहत इसमें जजमेंट हुआ है। इसमें आरोपी को ऊपर उल्लेखित धाराओं में धारा 366 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना, और 5/6 लैंगिक अपराध मतलब पास्को एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। ये इस तरीके से जो प्रकरण है नाबालिग बच्चियों को बहला बुला कर बरगला कर इस तरीके से घटना कारित करेंगे, ये काफी मतलब क्या कहना चाहिए जघन्य मामला है। तो इसको 20 वर्ष जो सजा मिली है ये इसके हम निर्णय का अवलोकन करने के बाद अगर और कुछ लगा है इसमें अधिकतम के लिए अगर हमको कुछ और कोई लगी तो हम इस संबंध में अपील करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।